Together, everyone achieves more. Team AU Financiers. हम सही फैसला लेने में विश्वास नहीं करते, बल्कि फैसला लेकर उन्हें सही साबित करके दिखाते हैं। इसी विचारधारा के साथ AU Financiers के कई employees, जिन्होंने अपने करियर की शुरुआत की और AU Financiers में तन मन से मेहनत करके एक मुकाम हासिल किया और AU Financiers की तरक्की के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ रहे हैं, और आज AU ने सफलताओं के वो परचम लहराए हैं जिसकी कल्पना AU Financiers और उनके employees ने पहले से ही सुनिश्चित कर ली थी। आज AU Financiers एक फाइनेंस कंपनी के साथ साथ AU स्मॉल फाइनेंस बैंक भी बनने जा रहा है। इस सफलता के पीछे भी AU और AU के सभी एम्प्लॉयज की मेहनत, लगन और सपनों को हकीकत में बदलने के प्रयासों से ही संभव हो पाया है। आइए जानते हैं कैसा सफर रहा AU के एम्प्लॉयज का AU Financiers से AU स्मॉल फाइनेंस बैंक बनने के दौरान। This last year was a very, very new achievement was there in the company. We got small finance bank license. Our results was very, very enthusiastic. We disbursed ever highest numbers and we got ever highest profit in the company. Last year we also added around 180 new shareholders in the company, and we will show how we are now planning to move towards small finance bank, which we are likely to get in a couple of months, and we are targeting to start our small finance bank somewhere in March, April 2017. मेरे 21 साल के अनुभव से मैं एक आपको ये बात बताना चाहूँगा कि ये हमारी कंपनी ही ऐसी मुझे महसूस हुई कि जहाँ हमारा मैनेजमेंट और हम में कोई गैप नहीं है। आपको कोई कार्य करना है और एक आपके लेवल पे यदि आपका बॉस उस काम को नहीं कर पा रहा, तो हमारे पास सबके पास ये राइट्स हैं कि उसको एस्केलेशन करते हुए हम हमारे ईडी एमडी तक भी जाके उसको इसको अप्रूव करा सकते हैं। जब मैं आया था यहाँ पर, या 7 बार बुलाया, मतलब जिस टाइम पे बुलाया ना उसी टाइम मैं उनके पास पहुँचा। जब लास्ट में उन्होंने बोले ठीक है यार, तू बोले कलेक्शन कर लेगा क्या, जब मेंटोर का काम करते थे उस टाइम संजय सर, तो टू व्हीलर का और इसका फाइनेंस का काम था, बोले कलेक्शन कर लेगा क्या, बोले रिकवरी कर लेगा क्या। मन का सर रिकवरी क्या होती है मन का रिकवरी क्या होती है, बोले जैसे फिर उन्होंने संजय सर, इसलिए तो मैं बता रहा था कि आदमी को पूरी चीज़ समझानी चाहिए। तो फिर संजय सर ने मेरे को समझाया कि देख, अपन जैसे गाड़ियों पर इन पर लोन देते हैं, उसका बीमा है नहीं है, गाड़ी कहाँ चल रही है कहाँ नहीं चल रही, पैसा दे रहा तो क्यों नहीं दे रहा, क्या रीज़न है, तो बोले वो पैसा लेके आना है उस हिसाब से। तो मैंने कहा ठीक है सर, कर लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर उन्होंने उस टाइम में से पूछा, बोले सैलरी क्या लेगा। मैंने कहा सर जिस काम की मुझे नॉलेज ही नहीं है, सारी चीज़ें हैं, तो मैं कहाँ से करूँगा ये चीज़। तो फिर उन्होंने मेरे को जब बाद में जब बात हुई, बोले ठीक है चल तू कर। मैंने भी कंपनी को 2003 में ज्वाइन किया था, जून 2003, एज एन अकाउंट असिस्टेंट आई हैव जॉइन दिस कंपनी। काम करने के पीछे मोटिवेटिंग फैक्टर तो है कि तू संजय सर, दीपक सर, उत्तम सर, ये जो शुरू से इन्वॉल्व रहे हैं चीज़ें, तो इनके वर्ड्स ही काफ़ी होने हमारे लिए बोलने के लिए। बोल दिया तो फिर बोल दिया, उनसे इतना ही पूछते थे सर काम कब चाहिए आपको। रात को 7 बजे काम दिया है, बोलते सुबह 9 बजे चाहिए, ठीक है। तो सुबह 9 बजे मिलता था उनको, भले ही पूरी रात भर काम करते थे, सुबह घर जाके नहा धोके तैयार होकर वापस 9 बजे उनको दिखाने के लिए पहुँच जाते थे। ऐसा नहीं पूरी रात भर काम किया था, सो रहा हूँ दिन में, अब शाम को आऊँगा। तो उस एटीट्यूड से काम किया है। आई एम वर्किंग विद AU फैमिली सिंस लास्ट 10.5 ईयर्स। I joined the AU family as an accounts executive in May 2006, and presently I'm working as a senior manager accounts in the company. मैं 2004 से कंपनी में अपनी सेवाएं दे रहा हूं। एज ए सेल्स ट्रेनी मैंने 2004 में अपने आप को ज्वाइन किया था। आज मैं जयपुर के यूज बिजनेस को हेड करता हूं। इन 12 सालों की जर्नी में मैंने बहुत कुछ कंपनी में फेरबदल देखा और अपने आप को बहुत कहीं पाया। कंपनी में 2004 से मैं ज्वाइन किया था। 2004 में मैंने एज ए टेलीकॉलिंगर के रूप में ज्वाइन किया था, और आज मैं डायरेक्ट सेल्स देख रही हूँ और पूरा जयपुर सनी पैराडाइज ब्रांच मैनेजर के रूप में काम कर रही हूँ। कंपनी में मेरे को उस समय से और आज तक मेरे को 2000 टाइम मेरे को ग्रोथ मिली है। ऑर्गेनाइजेशन के साथ ये मेरा 10वां साल है।
काफ़ी अच्छा और काफ़ी लंबा सफ़र रहा। अगर मैं याद करता हूँ अपनी जर्नी को, अपनी यात्रा को, तो शुरुआत हुई 2007 में हमारे राजस्थान के छोटे से शहर बीकानेर से। एंड बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स, अलग अलग तरह के रास्ते, अलग अलग तरह के मोड़ देखते हुए ये 10 साल का सफ़र तय किया। और फिलहाल मैं व्हीकल बिजनेस राजस्थान और गुजरात के लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ। इन 2012 आई जॉइंड AU फर्नीचर। सो आई जॉइंड एज एन चीफ अकाउंट्स ऑफिसर। सो दैट टाइम वी दिस AU फर्नीचर कंपनी इज ऑलरेडी रनिंग एंड वी ऑल्सो फॉर्म द AU हाउसिंग एंड AU इंश्योरेंस ब्रोकिंग इन 2012 इटसेल्फ, राइट। So, so all these three group companies are from the account side are reporting to me. In the bank platform, I am leading this operation and IT, both the departments as of now. Good thing which about the AU Financiers and the management of AU Financiers. The first is that the environment is very open over here. Open in a way, everybody and at every level, you can work as per the vision of management, and you have all the open space to talk to everybody at the top management also. In 2008 when I joined as a company secretary, I was looking after the company secretary part, some admin part, so it was a multiple responsibility kind of job. In 2010 management and this leadership showed a faith, empowered me by posting me at Bombay. What I feel in my last 8 years of journey with AU is that it provides opportunity to everyone to grow. This company is different in the sense that it empowers the leadership, gives you huge responsibilities. They empowers you to grow. They gives you strength. They gives you responsibility, and that faith gives you enough strength to take forward your own journey in the company, which has led me what I'm here today. I've been looking after vehicle credit from 2013, and then I have looked after risk for some time from I think April of 15 onwards, and from September of 15 onwards, November of 15 onwards, I have been part of the management. The first thing which impressed me about was the kind of ownership and the kind of involvement the senior management had in day-to-day operations. And having worked with so many industry stalwarts, it was really, really heartening to see and know the depth of the knowledge they had about the product, of the operation, not only about the product, but all the departments. And that was the one thing which really gave me the opportunity to learn and explore further. AU Financiers सभी employees का धन्यवाद करता है कि उन्होंने AU Financiers का हर कदम पर साथ दिया और अपने काम को बखूबी मेहनत के साथ आगे भी करते रहेंगे, ताकि आप सबका और हमारा साथ और भी मजबूत होता रहे, क्योंकि अभी तो ये शुरुआत है। आगे और भी सफलताओं के मुकाम हासिल करने हैं आपके साथ।